सबसे पहले यहाँ पर जितने हमारे साथी हैं जो माँ बहन है सबको मैं तहे दिल से क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद करना चाहता हूँ। जय भीम। साथियों, ये जो कानून इस देश की हुकूमत ने पारित किया हुआ है, आज ये कानून इसलिए पारित किया गया है, आज ये कानून इसलिए पारित किया गया है क्योंकि ये सरकार चाहती है कि इस देश को जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ा जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है वो मजहब की बुनियाद पर, जाति के बुनियाद पर, लिंग के बुनियाद पर भेदभाव की मुखालफत करता है। तो हम आप सबके बीच में अपना जोरदार समर्थन देने के लिए आए हुए हैं और इस बात को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश के मुस्लिम समाज के लोग हमेशा हमारे पुरुषों के साथ खड़े हुए हैं, जुल्म और ज्यादती के साथ खड़े हुए हैं, सूरज कुमार बोस अपनी पूरी कौम के साथ, अपनी पूरी बाबा साहब की विरासत के साथ इस बात का आश्वस्त करना चाहता है कि हम मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जो कानून पारित हुआ है ये सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। आपको याद होगा यही कानून और यही लोग 8 महीना पहले 9 महीना पहले फरमान जारी किए हुए थे जहां पर इस देश के 23 लाख आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता था। हम लोगों ने 2 मार्च को भारत बंद किया था। आज एक बार फिर यही हुकूमत ये फरमान पारित किया हुआ है कि हम आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर रहे थे, आज मुस्लिमों को उनके देश से बेदखल करेंगे। लेकिन हम सबको यह समझने की जरूरत है कि इस देश की हुकूमत यह सिद्ध करना चाहती है कि जो पाकिस्तान से नागरिक आएंगे, जो बांग्लादेश के नागरिक आएंगे, जो अफगानिस्तान से नागरिक आएंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, लेकिन हम उनको डॉक्यूमेंट देंगे। और जो लोग 30 साल 40 साल 50 साल से इस देश का खून पसीना सींच करके, इस देश को अपना खून पसीना दे करके अपना इस देश के विरासत को बनाए हुए हैं, आज ये लोग इसको विदेशी बता रहे हैं। इनके फॉर्मूले में राष्ट्रपति का परिवार भी विदेशी बनता है और इनके फॉर्मूले में वह परिवार विदेशी बनता है जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहा दिया हुआ है। आपको याद होगा इन्हीं लोगों ने एसटी एक्ट खत्म किया हुआ था। जब एसटी एक्ट खत्म किया हुआ था तो हम लोग सड़क पर संघर्ष किए हुए थे और सिर्फ एक दिन में हमारे 14 साथियों को शहीद किया गया था। कौन शहीद किया था? इस देश के जाति आतंकी लोग और इस देश की पुलिस सिस्टम ने। और हम लोग उस शहीदों को सलाम करना चाहते हैं। और आज जो लोग एनआरसी के खिलाफ, आज जो लोग सीएए के खिलाफ संघर्ष करते हुए निशान को गवाए हुए हैं, उन शहीदों को सलाम करते हुए एक बात आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ कि उनके खून की अगर थोड़ी सी लाश होती तो हम सबको झुकना नहीं है, हम सबको संघर्ष जारी रखना है। और वो लोग जो हमारे महफिल में, वो लोग इस मजलिस में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी कौम से हो, चाहे वाकई कौम से क्यों हो, उनको अपने कौम से निकालिएगा, उनको इस महफिल से निकालिएगा, क्योंकि दुश्मन को एक भी मौका मत दीजिए, दुश्मन को एक भी मौका मत दीजिए कि आप पर लाठीचार्ज करे और आप पर एक चिन्हित नाम आक्रांतिक करे, चाहे वो आतंकवादी के है, चाहे कुछ और के। हम लोग संविधान के तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि एक कानून सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं है, उस आदिवासी के खिलाफ है जो हजारों साल से इस देश में रह रहा है, जो अपने खून पसीना से इस देश की भारत की भूमि को, बंजर भूमि को खेत सींच करके खेती के लायक बनाया है। लेकिन वो आदिवासी आज जल जंगल जमीन में अपना कब्जा साबित नहीं कर पाया। सोचिए, जब आदिवासी समाज के लोग अपना कब्जा साबित नहीं कर पाए हैं तो नागरिकता कैसे साबित कर पाएंगे? करोड़ों की आबादी इस देश में भुखमरी का शिकार है, जिनके पास भूमि नहीं है। 10 करोड़ आदिवासी आज फुटपाथ पर सोती है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उस बेसहारा को क्या करोगे, उस अनाथ को क्या करोगे, उस बुजुर्ग को क्या करोगे जिनके छत पर कोई साया नहीं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? वो लोग जो अपने वार्षिक का प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं, आज हमसे हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगते हैं। मैं याद करना चाहूंगा पूरी विरासत में लड़ाई के संघर्ष के दौर में बिरसा मुंडा की जमीन, सिद्धू कान्हू की जमीन, बोलो सानू की जमीन और जबरा पहाड़िया की जमीन झारखंड में
पुलिस साहब के संघ के फैसले के खिलाफ एक फरमान जारी किया हुआ है और झारखंड में आज आम आवाम की जीत हुई है, ये इस बात का गवाह है, ये इस बात का गवाह है कि अगर तुम हमें नागरिक मानने से इनकार करते हो, कि अगर तुम हमें नागरिक मानने से इनकार करते हो तो हम तुम्हें सरकार मानने से इनकार करते हैं। ये बाबा साहब की बारिश है, ये बाबा साहब के बारिश के लोग जो लोग संविधान को मानते हैं, जो लोग इंसान और इंसानियत को मानते हैं, जिनके जहन में थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है, वो एक बार सोचेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, लेकिन 5 साल के उस बच्चे को, 5 महीने के उस बच्चे को और 85 साल के उस बुजुर्ग को हम डिटेंशन कैंप में नहीं रखेंगे। और हम लोग भारत बंद की बात इसलिए करते हैं, भारत बंद की बात इसलिए करते हैं क्योंकि संविधान हमारे पुरखों ने बनाया है इस देश को संविधान के मुताबिक चलने के लिए। जो लोग इस देश को मनुस्मृति के मुताबिक चलाना चाहते हैं हम लोग उसके खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि अगर भारत संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा तो भारत बंद रहना चाहिए। इसलिए बंद रहेगा क्योंकि हमारी एकता पद कतार की आवाज बुलंद होगी और यकीन भारत बंद होगी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन सलाम पेश करना चाहूंगा अपनी माँ और बहनों को, इसलिए कि जो लोग कहते हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, आज वो महिलाएं कह रही हैं हाँ यकीनन में हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी एकताबद्ध कतार के साथ लड़ेंगे। इसलिए कहना चूंकि आपको अपने भविष्य की परवाह है, आपको अपने बच्चों की परवाह है। मैं बात खत्म करना चाहूंगा लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस देश का मुसलमान तब नहीं बोला जब तुमने 3 तलाक खत्म कर दिया, सिर्फ मुस्लिम का। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी को बिना तलाक दिए छोड़ देते हैं और सत्ता के बड़े बड़े पद पर बैठे रहते हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन तुमने 3 तलाक खत्म कर दिया, मुसलमान खामोश रहा। तुमने 370 खत्म कर दिया पिस्टल के दम पर, मुसलमान खामोश रहा। तुमने 35 खत्म किया, मुसलमान खामोश रहा। तुमने बाबरी विध्वंस के मामले को धार्मिक नक्शा देकर के निर्णय सुनाया, मुसलमान खामोश रहा क्योंकि उसके धर्म का मामला था और मुसलमान सेक्युलर है। उसने माना कि हम सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म का मार देंगे। लेकिन पहली बार आज संविधान खत्म होने की बात हो रही है, मुसलमान के वजूद को नकारा जा रहा है, इसलिए मुसलमान सड़क पर है क्योंकि वो संविधान को मानता है। तो साथियों मैं अपनी बात खत्म करूंगा लेकिन एक नारे के साथ खत्म करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ संविधान के विरोध में खड़े हैं। जो लोग कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का सवाल है या हिंदू मुस्लिम में टकराव का सवाल है, बिल्कुल नहीं, ये धार्मिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये वह बात है, इस देश के नागरिक एकता का सवाल है। जो लोग इस देश में अपना खून पसीना बहाए हैं उसको बचाने का सवाल है, इसको धार्मिक नक्शे से न देखा जाए। मैं बात खत्म करूंगा एक नारे के साथ, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना साझीदार बनेंगे। शुक्रिया। मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई पूरे देश में चले और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो लोग इसमें असामाजिक तत्व अगर शामिल हो रहे हैं उसको रोकिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी समर्थन पेश करता हूँ और यकीन मानिएगा जिस समय आपको हमारी जरूरत होगी हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, इसलिए क्योंकि आप सब संविधान के साथ खड़े हैं।